हेलो दोस्तों, मैं राम यशपाल आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूँ प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस। आज आपको बताएंगे किस तरह से ट्रांसलेशन, एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर के विषय में बताया जा रहा है, एक जो बेसिक नॉलेज है टेंस का और उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसके विषय में एक विशेष जानकारी दी जाएगी। अगर बच्चे इसको ध्यान से देखेंगे तो अवश्य समझेंगे कि कैसे प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस को ट्रांसलेट किया जाता है। हिंदी में इसकी पहचान जो होती है, हिंदी की जो सामान्य वाक्य होते हैं उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं, कहता हूँ आदि शब्द आते हैं और इसमें अक्सर आप देखेंगे कुछ एडवर्बियल्स यूज होते हैं, एडवर्ब होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे डेली है, डेली में प्रतिदिन, रोज, एवरीडे प्रत्येक दिन, यूजली प्रायः, ऑफन प्रायः, ऑलवेज हमेशा, समटाइम्स कभी कभी, जनरली साधारणतया, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इनमें हेल्पिंग वर्ब इस टेंस में साधारण वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर कोई वाक्य एक वचनकर्ता के साथ डज और बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग किया जाता है वो जब निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, और अफर्मेटिव सेंटेंस में इसमें किसी भी प्रकार की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया, डज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और डू का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। और मेन वर्ब इस टेंस में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। आज दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है और कैसे कैसे करते हैं ट्रांसलेशन, जो टेंथ के ट्रांसलेशन वो करते कैसे हैं, इस विषय में विशेष जानकारी है। और इसमें देखें यदि साधारण वाक्य साधारण हो तो कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगाया जाता है। क्या यदि वाक्य क्या हो साधारण मतलब अफर्मेटिव वाक्य हो तो कर्ता एक वचन हो तो मेन वर्ब में एमवी मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस लगता है। और सिंपल सेंटेंस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ देखें, जिन क्रियाओं के अंत में यस, यस एच, एक्स, ओ, सी एच या डबल एस आदि अक्षर आए तो उनमें ई एस जोड़ा जाता है। कुछ विशेष नियम देख सकते हैं हम इसके। आप जानते हैं समाचार पत्रों के टाइटल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखे जाते हैं, जैसे भारत ने श्रीलंका को 161 रन से हराया, मतलब इंडिया डिफीट श्रीलंका बाई 161 रन। और आपको बताओ जो मैच की कमेंट्री होती है, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वास्तव में पढ़ना है और समझना है तो किसी भी मैच की जो आंखों देखा हाल या मैच की कमेंट्री होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही कही जाती है। जैसे विराट कोहली ने चौका लगाया, ये विराट कोहली हिट्स फोर, हिट्स अ फोर, क्या विराट कोहली हिट्स फोर कहा होते हैं, और मुहावरे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं, किसी अन्य टेंस में नहीं लिखे जाते कोई भी मुहावरा हो अथवा कोई भी कहावते हों। जैसे अध्ययन व्यक्ति को पूर्ण बनाता है, रीडिंग मेक्स अ मैन परफेक्ट, रीडिंग अध्ययन। यदि किसी कथन में वैज्ञानिकता साइंटिफिक फैक्ट हो तो उस कथन को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बनाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मेक वाटर। मैं दोस्तों से यही कहूँगा कि आप लोग वीडियो के अंत तक रुके रहें, आपको एक एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव कैसे उनका निर्माण है, सेंटेंस कैसे हैं, निगेटिव का सेंटेंस कैसे हैं, इंट्रोगेटिव का सेंटेंस, वो सारी चीज़ें बताएंगे। पहले इन कुछ नियमों को समझ लें कि किस लिए हम इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। यदि किसी वाक्य में सार्वभौमिक सच्चाई हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, मतलब कि ऐसी सच्चाई जो यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सन सेट्स इन द ईस्ट, सूर्य कहाँ छिपता है, वेस्ट में छिपता है। अब देखते हैं हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसों को देखें। फार्मूला इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, क्रिया में यस यस लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है और इसके अतिरिक्त जो भी और एटसेट्रा जो भी लगे। अगर क्रिया बहुवचन में है तो फर्स्ट फॉर्म का ही केवल प्रयोग किया जाता है, और एक वचन में है तो यस यस जोड़ दिया जाता है। इसका उदाहरण देख सकते हैं, वह हमेशा सच बोलती है, सी स्पीक ट्रुथ ऑलवेज, हम रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, बी प्ले क्रिकेट डेली, रोजाना बरसात होती है, इट रेन्स डेली। निगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हैं इसका फार्मूला, सब्जेक्ट फिर डू या डज का प्रयोग, एक बहुवचन के साथ डू का प्रयोग, एक वचन के साथ डज का प्रयोग, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर इट एटसेट्रा।
जैसे पवन रोजाना विद्यालय नहीं आता है, तो पवन डज नॉट, पवन एक वचन है इसलिए डज नॉट गो टू स्कूल डेली। हम हिंदी में हिंदी फिल्म में नहीं देखते हैं, हम हिंदी फिल्म नहीं देखते हैं। वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज, वी डू नॉट वॉच हिंदी मूवीज। देखिए हम बी बहुवचन में, यह पंखा धीरे नहीं चलता है, दिस फैन एक वचन डज नॉट मूव स्लोली। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जिनके प्रश्नों को उत्तर हाँ या ना में दिए जा सकते हैं, उनके लिए हम डू या डज का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले रख देते हैं, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा। जैसे डू डज सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट फिर एटसेट्रा। इसी तरह जब जिसके आंसर यस या ना नहीं दिए जा सकते तो उनके लिए हम डब्ल्यू एच वर्डों का प्रयोग करते हैं, फिर डू डज का प्रयोग उसी तरह लगाते हैं जैसे कि आपको बताया भी। तुम रोजाना क्यों पूजा क्यों करते हो, तो इसमें क्या है क्यों करते हो, तो इसका आपको उत्तर देना पड़ेगा व्हाई डू यू वर्शिप डेली। वह कभी कभार घूमने कहाँ जाता है, व्हेयर डज ही गो टू वॉक ऑफन। वह प्रतिदिन तुमसे क्यों मिलने आता है, व्हाई डज ही कम टू मीट यू एवरी डे। इस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को आप कर सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस निगेटिव भी हैं तो नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, बाकी वाक्य का वैसे बताया जाता है जैसे पहले बताया गया। इंट्रोगेटिव डज या डू फिर सब्जेक्ट फिर नॉट, उसी तरह डब्ल्यू एच वर्ड फिर डज या सब्जेक्ट फिर नॉट का प्रयोग। जैसे तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते, व्हाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। क्या राधा राधा समय पर गृह कार्य नहीं करती है, डज राधा नॉट होमवर्क एट टाइम। क्या तुम रोजाना पूजा नहीं करते हो, तो क्या हो जाएगा, डू यू नॉट वर्शिप डेली। इस तरह से आपको करना है। आप इसको 2-3-4 बार वीडियो को देखिए और इसमें आपको जो समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और कमेंट बॉक्स में लिखेंगे हम आपकी कमेंट को देखेंगे, और देखने के पश्चात अगर उसमें जो भी आपको सहायता हो सकती है, जो भी मदद हो सकती है, उसको पूरा कराने की कराएंगे हम। थैंक यू, धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।